मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व में भी कुछ दिन पहले तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहा, और इधर आपको बुलाने की जो कारण है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम लोग 28 अक्टूबर को दिल्ली में जो अंबेडकर भवन है वहाँ से हम लोग एक जो हमने पीछे बैनर भी लगाया है देशव्यापी संकल्प रथ मार्च, ये हम लेकर के दिल्ली से अंबेडकर भवन से चलेंगे और इसको हम पूरे देश में इसके माध्यम से, इस रथ के माध्यम से हम पूरे देश में बहन जी का प्रचार करेंगे, जिसका हमने नाम दिया है जो पीछे लिखित भी है हमारे बैनर पे, बहुजन यूथ फॉर मिशन 2019 नेक्स्ट पीएम बहन जी। ये नाम क्यों रखा गया, ये नाम हम बहुत हमने चर्चा करी इस विषय पे हमारे सभी साथियों ने, तो कोई कह रहा था इसको बहुजन यूथ फॉर डेमोक्रेसी रखा जाए, बहुजन यूथ फॉर बहन जी रखा जाए, बहुजन यूथ फॉर काशीराम रखा जाए, लेकिन हमने इसको बाद में कंक्लूड किया। उसकी वजह ये है कि 2019 जो मिशन है ये एक डेट निश्चित है, इसको उस डेट से आगे नहीं चलाया जा सकता। हम लोगों ने इसको मिशन 2019 इसलिए रखा है, जैसे ही 2019 का लोकसभा का चुनाव समाप्त होगा उस समय ये बैनर, ये नाम ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगा और उसका जो कंसीडरेशन है, उसका जो प्रतिफल है वो नेक्स्ट पीएम बहन जी है। तो इसी बात को लेकर के हम लोग हम पूरे देश में जाएंगे और पूरे देश के सभी समाज के लोगों से, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज गरीब समाज के लोगों से, सभी से ये निवेदन करेंगे कि आप लोगों ने बार बार दोनों पार्टियों को देखा है, तमाम नेताओं को आपने देखा है, एक बार आपको बहन जी को भी मौका देना चाहिए। तो बहन जी को पीएम बनाने के लिए हम लोग ये रथ मार्च निकाल रहे हैं, इसमें हमारे सागर साहब हमारे इधर सहयोगी हैं और भी काफ़ी लोग सहयोगी हैं, तो ये हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया है, जिससे कि कोई क्वेरीज आपके दिमाग में, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में वही क्वेरीज निकलेंगी जो आम जनमानस के दिमाग में निकलती हैं, तो जब आप उन क्वेरीज को मेरे सामने रख देंगे क्वेश्चन के रूप में, तो फिर हम लोग उनको यहीं पर अभी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। और फिर आपकी ये क्लिप जब जाएगी देश में तो जो आम जनमानस सोच रहा होगा कि कहीं ऐसा तो ना हो कि जयप्रकाश या उनके साथी कोई अपना संगठन बना रहे हैं, तो ये जो कन्फ्यूजन है उनका दूर हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को इधर बुलाया। अभी राजस्थान में भी 2 महीने पहले एक रथ यात्रा निकली थी बसपा की गली गली में, उसमें आप भी शामिल थे, क्या उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश को राजनीतिक तरीके से बहुजन समाज पार्टी कहने की कोशिश कर रही है, या बहुजन युवा बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार उसी तर्ज पर करेगी? हाँ, बात आपकी बहुत जायज है। हम लोगों ने, जब मैं राजस्थान का प्रभारी था तो हमने माने धर्मवीर सिंह अशोक साहब जो चीफ कोऑर्डिनेटर थे वहाँ पर, तो उन्होंने एक रथ मार्च उधर की रथ यात्रा की थी, संकल्प सत्ता प्राप्त करो करके वहाँ पे बनाया था हमने टाइटल, उससे पूरे राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एक माहौल तैयार हुआ था। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि अगर इसी प्रकार का माहौल हम चाहें तो देश में हम तैयार कर सकते हैं, तो ये हम मान सकते हैं कि उससे इन्फ्लुएंस में है। सर, ये माना जाए कि आपकी घर वापसी निश्चित हो गई है? घर वापसी को लेकर के देखो तो बहन जी का मैटर है, ये बहन जी जो भी निर्णय लेंगी वो उस समय हम लोग फॉलो करेंगे, जो भी निर्णय बहन जी लेंगी, जो भी परिस्थितियाँ बनेंगी, तो ये अभी इसको घर वापसी का मामला नहीं कह सकते। तो फिर इसको क्या समझा जाए, जैसे कि घर वापसी का मामला नहीं है और अभी भी आपके गले में देखा जाए तो बीएसपी का पट्टा डला हुआ है, जो तरीके जिसको देखा जाए तो एक तरीके से एक अनुसार जिसका राइट्स ही नहीं बनता उसको आप फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, मैं राइट्स तो ऐसे नहीं, आप इसको ये नहीं कह सकते कि राइट नहीं बनता। मैं एक भारत का नागरिक हूँ और बीएसपी का वोटर हूँ, बीएसपी का वोटर कोई भी डाल सकता है पट्टा, इसके लिए बहन जी ने मना नहीं किया। बहन जी ने मुझसे पद लिया है, मुझको पार्टी से मुक्त किया है और मुझसे साथ में ये भी कहा है कि हम आपके बारे में चुनाव के बाद सोचेंगे, तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। इसमें अगर देखा जाए तो मैं बहन जी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, इसमें देखा जाए तो ये देश हित में काम है और इस समय सबसे अच्छा अल्टरनेट गरीब समाज के लोगों के लिए पीएम का कैंडिडेट बहन जी बन सकती हैं, इसलिए मैं बहन जी के पक्ष में बात कर रहा हूँ।
रथ यात्रा की आपने बात की, रथ यात्रा निकलेगा कहाँ कहाँ उसे होके गुजरेगा, किन क्षेत्रों से, और खासकर ऐसी समाज छोड़कर वो किस समाज में जाकर इस बात को प्रचार प्रसारित करेगा कि वो बीएसपी को या बहन जी को वोट करके आपकी बात प्रधानमंत्री करें। देखिए जो उसका रूट चार्ट जो है, रूट मैप जो है, ये हम फेसबुक पे डालते रहेंगे समय समय पर, और जानकारियाँ मिलती रहेंगी, निर्धारित है वो हमारा, वो फेसबुक पे हमारा चार्ट तैयार हो रहा है, वो फेसबुक पे पढ़ता रहेगा। एप्लीकेशन हमारी तैयार हो रही है होम मिनिस्ट्री के लिए, आज वो हम वहाँ पे वो चली जाएगी। रूट चार्ट भी समय समय मिलता रहेगा, क्योंकि हमें पहले बताना ज़रूरी है लोगों को, अपने साथियों को, कि हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं। और रही बात गैर एससी की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो गैर एससी के अंदर राजस्थान के अंदर मैंने ये अनुभव लिया है कि गैर एससी के अंदर भी पकड़, राजस्थान समझ जाइए केवल यूपी के, यूपी की, जैसे आप, मैंने कहा नहीं है, भी मैंने बहुत कम बता रहा है, ये भी मैंने कहा कि मैंने अनुभव लिया है, एक मिनट प्लीज सर, मैंने अनुभव लिया राजस्थान से कि गैर एससी के अंदर बात रखने से, ऐसे तो था ही नहीं बता रहे आप, उसको तो मैंने जोड़ा ही जोड़ा, लेकिन गैर एससी के अंदर भी ओबीसी समाज में मुख्य रूप से और भी समाजों में बात रख करके जितना कन्वेंस मैंने किया है, और जो वहाँ जो रिजल्ट मिला है, जिसके बारे में अशोक साहब ने भी काफ़ी बार प्रशंसा की थी, तो मुझे उससे अनुभव जो मिला है, उस अनुभव को लेकर के मैं पूरे देश में गैर एससी के लोगों से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग भी बीएसपी के लिए वोट कास्ट करें सभी से। ये गैर एससी की आप रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, पूरे देशव्यापी की बात कर रहे हैं, दिल्ली से आप इसका शुभारंभ करेंगे, दिल्ली के बाद में हरियाणा जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, पंजाब जाएंगे, कहां कहां जाएंगे, और आपको फंडिंग कैसे होगा इस सब के लिए, थोड़ा सा ये भी हमें बता दीजिए। और इसमें छोटी सी ऐड मैं करना चाहूंगा, डेलीगेशन में कितने लोग रहेंगे? एक मिनट, आपने खर्चे की बात करी, इसके लिए हम लोगों ने कूपन छपवाए हैं, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, तो जो साथी को जिसको ऐसा लगे कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं, वो साथी सब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें आर्थिक सहयोग 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये करें, तो वहाँ से हमारा आर्थिक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जो हमारे गाड़ी के तेल में खर्चे में काम आएगी। इस प्रकार से सर्विस के साथ जब बहन जी ने आपको पद से हटाया, पार्टी से हटाया, तो आपको जो पब्लिक है यहाँ की, जो बसपा की जो जनता, जो बसपा के वोटर हैं, वो आपको क्यों लाइक करेंगे? हाँ देखिए, उसकी एक वजह है कि बहुजन समाज पार्टी केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक सामाजिक आंदोलन है। जिसको भी ये समाज ये महसूस करता है कि ये समाज के हित में काम कर रहा है, आंदोलन के पक्ष में काम कर रहा है, तो वो जयप्रकाश ही नहीं, वो किसी को भी लाइक करेगा। और इसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी भी एक आंदोलन है, राजनीतिक पार्टी होने से पहले एक आंदोलन है। और इस बात को मैं यहाँ पर और क्लियर करता चलूँ आपसे कि आंदोलन के लिए ये जानना कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे नेता हमें जाने कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी कही थी जब आप उधर पहुंचे थे 105 पे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहन जी हमें जाने कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ये एक आंदोलन है, वो कोई भी आदमी काम कर सकता है आंदोलन के लिए, तो ये बात ऐसी। इस आंदोलन संकल्प रथ यात्रा की अगर हम बात करें तो इसमें भीम आर्मी कहां तक आपको सपोर्ट कर रही है, इसका भी हमें वो तो रास्ते में पता चलेगा कौन कितना सपोर्ट करेगा, वो तो समय समय आने पे आगे पता चलेगा कि कौन कितना सपोर्ट करेगा। भीम आर्मी ज्वाइन किया आपने, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आपकी मन से इस बात की घोषणा हुई, और उसके बाद आपका कोई ऐसा औपचारिक बयान नहीं आया जिसमें आपने कहा कि मैं भीम आर्मी से अलग या भीम आर्मी का पार्ट। अब ऐसे में जब आप सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं तो भीम आर्मी इसमें आपका सहयोग करेगी, इस बात को लेकर आपकी चंद्रशेखर से बात हुई है, या किस तरह से मूवमेंट आगे बढ़ेगा उसमें क्या दो पथ हो गए हैं अब फिलहाल अगर कहें तो, या फिर उनकी पॉलिसी, भीम आर्मी की पॉलिसी क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है, इसमें थोड़ा अंतर डिफाइन कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए भीम आर्मी भी आंदोलन के लिए काम कर रही है, हम भी आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं तो ये कहता रहता हूँ कि इस देश में जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो सारे के सारे एक साथ मिलकर के अब की बार बहन जी को पीएम बनाने की मुहिम चलाएं। और मैं जो आजकल सुन रहा हूँ चंद्रशेखर भाई को फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं देखता हूँ, लाइव भी आते हैं कभी कभी, अभी वो वहाँ पर भी गए थे पंजाब में भी, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी बीएसपी है और हमारी नेता माननीय बहन जी है, तो वो भी उसी काम कर रहे हैं, हम भी उसी काम कर रहे हैं, हम जैसे कितने लोग काम कर रहे हैं। तो आप
मत क्यों नहीं रखते, एक साथ आप अलग हैं या पार्ट हम दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बारहवीं के पार्ट है आप, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ अभी भी। पार्ट नहीं कह सकते, मैं तो फॉलोवर मान सकता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि भीम आर्मी का जो काम है वो आगे बढ़े, वो भी बहन जी के लिए काम करे, जो भी संगठन बहन जी के लिए काम करेगा, मैं सभी के साथ तो बहन जी के लिए काम करे। भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारी कांग्रेस से अपने एक पैट बनाए हुए हैं, फ्रेंडशिप बनाए हुए हैं, और कांग्रेसी नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है, तो आप ये बहन जी के लिए भीम आर्मी काम करे या औरों के लिए काम करे? भाई ये तो वो जानते होंगे, वो तो चंद्रशेखर भाई जानते होंगे उनके कहाँ संबंध है, या उनके जो जिनके बारे में आप बता रहे हैं वो जानते होंगे उनके कहाँ संबंध है, लेकिन मैं तो अपने बारे में क्लियर करने के लिए आया हूँ कि मैं बहन जी के लिए मुझे काम करूं। चंद्रशेखर से एक मत है आप? जो भी काम करेगा बहन जी के पक्ष में, मैं उन सबसे मत में हूँ उनके साथ। अच्छा, उनके साथ दूसरी बात, जो बहन जी के लिए काम करे। ये बताइए, आपको अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर आपको निकाला गया पार्टी से, अब ऐसा कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या लगता है आपको जो आपने जो बयान दिया था या जो आपने टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को आप अब सही मानते हैं, क्योंकि आपने मन से कहा है कि बहन जी भी उस बात को सही ठहरा रही है और कांग्रेस के सामने ये बात कांग्रेस के सामने चल मतलब जयप्रकाश को प्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं कि उनको जवाब जयप्रकाश देगा, ये आपने एक मन से कहा है, ठीक है, तो आप इस बात को सहमत हैं कि जो आपने वो टिप्पणी की थी वो सही है, आप बहन जी भी उस बात को मान रही है? देखिए वो मेरी टिप्पणी थी, और जो भी आदमी जो कुछ बोलता है वो उसको सही मान करके बोलता है, ये तो दूसरे पे डिपेंड करता है, वो उसको लाइक करता है उस टिप्पणी को अथवा नहीं करता है, वो माँ बाप में भी भेद हो सकता है, किसी में भेद हो सकता है, बेटे बाप में भेद हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ को मैं लाइक करता हूँ मेरे पापा लाइक करें या मेरे कोई भी नेता लाइक करें, तो वो चीज़ उस समय बहन जी को नहीं जायज़ लगी, लेकिन जब ऐसा लगा कि भाई ऐसे ऐसे कांग्रेस हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि जो आप जहाँ बोलना चाह रहे हैं कि उस वाक्य को लेकर के, तो मुझे ऐसा आभास हुआ था, लोगों ने मुझे बताया था कि अब शायद आपकी संभावना है और बहन जी आपके बारे में जिक्र करती हैं, तो मुझे भी लगा क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो रहा तो जिक्र हुआ होगा, तो मुझे लगा कि आपने तो क्लियर कहा था कि अब कांग्रेस को जवाब देगी, अब जेपी जवाब। देखिए जब जब कोई भी स्पीकर अपनी बात को रखता है तो उसमें बल डालने का प्रयास करता है, तो मुझे ऐसा संभावना लगी, उसको मैंने कॉन्फिडेंस बोला, ऐसा लगा। आपने कहा बसपा एक मिशन है, लेकिन इस मिशन को जहां तक देखा जाए तो बड़े बड़े गद्दार इस मिशन के पीछे इस बहुजन समाज के कंधों पर पैर रखकर आगे निकल गए। मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहूंगा ऐसे गद्दार हुआ, चाहे वो गुजरात के गद्दार हो, चाहे वो ग्वालियर के गद्दार हो, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के अंदर घुस गए। तो बहुजन समाज को आप ये कैसे विश्वास दिलाएंगे कि 2019 का बहाना लेकर आप 2019 के बाद अपने लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा की तैयारी कर रहे हैं बसपा से? देखिए ये बात जायज है, क्योंकि कहावत है ग्रामीण में कि दूध का फूका छाछ को फूक मार के पीता है, ये बात जायज है, और जिनका आप नाम नहीं ले पा रहे हैं उसको समाज समझता भी है, कल परसों भी घटना हुई है उसके बारे में भी आप कुछ ना कुछ अंदर ब्रेन में समझ रहे हैं, तो ऐसा तो वक्त बताएगा, जो जिस व्यक्ति ने भी इस आंदोलन के साथ में या इस महापुरुष के इस विचार के साथ जिसने भी धोखा दिया है उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ा है, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमको भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब चलते चलते इस रथ यात्रा के लिए आप एक बहुजन समाज से क्या अपील करना चाहते हैं इस बहुजन मीडिया के माध्यम से? देखिए मैं बहुजन समाज से बहुजन समाज जी बहुजन समाज से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कमजोर ना माने, कहीं आप ऐसा ना समझें कि बीजेपी का विकल्प केवल कांग्रेस है जैसे ये लोग अफवाह उड़ाते हैं, तो मेरा उनसे सभी से साथियों से ये निवेदन है, खासतौर पर युवा साथियों से मैं विशेष रूप से निवेदन करता हूँ, उनके पास में एनर्जी पोटेंशियल समय वगैरह होता है, तो आप लोग इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है, ये बात सागर साहब बताना चाह रहे थे कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग बूथ तक के साथी को एक उसके अंदर एनर्जी बने कि भाई अगर हमारा रथ घूम रहा है देश में, ये वायरल होगा पूरे देश में, तो हमारा रथ घूम रहा है तो हमको भी अपने बूथ पर काम करना चाहिए, अपने गांव में काम करना चाहिए, अपने मोहल्ले में काम करना चाहिए। जब आदमी ये महसूस कर लेता है उसके अंदर पॉजिटिवनेस आ जाती है, उसकी विल पावर बढ़ जाती है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो फिर वो घर से निकल के बाहर काम करता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग भी काम करें इसी प्रकार से जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी अपने पैमाने पर काम करें, और सभी लोग ऐसा नहीं है कांग्रेस विकल्प नहीं है, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अल्टरनेट के रूप में देश को एक बार बहन जी को
देना चाहिए सभी साथ। अच्छा, आप उस बयान को अभी भी सही मानते हैं जो आपने उस दिन पिछली की थी वहाँ पर, जिस पर आपको आरोप लगाया था बीएसपी ने अनुशासन का? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो आदमी जब जिसको बोलता है वो अपने विवेक से सही बोलता है, दूसरा उसको सही माने ना माने वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जब बोला है और उस पर मैंने कोई काउंटरिंग तो की नहीं है कहीं पर, तो मेरे विचार से तो मैंने, मेरा विवेक था, मैंने बोला, ये मेरा विवेक है, इसमें बहन जी का कुछ नहीं था, ये मेरा विवेक था, मैंने बोला। और जिसको जायज लगे नाजायज लगे तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना पर्सनल सबके अपने अपने सोचने की होती है, और बहन जी को लगा कि उस टाइम वो जायज नहीं था, इसलिए बहन जी ने एक्शन लिया, लेकिन बहन जी ने बोला कि हम बाद में आपके बारे में सोच। जी सागर जी, कुछ कहना चाहेंगे? अनिल जी, अनिल जी, मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप बसपा की कार्यकारिणी में नहीं थे तब आप एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता सिद्ध हुए, आपने दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, उसके अलावा बसपा के कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बॉडी में आए तो शायद, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि आपके कार्य करने की क्षमता थोड़ी धीरे हुई, लेकिन अब आप चूंकि फिर कार्यकारिणी में नहीं है बसपा की में, अब आप स्वतंत्र हैं, तो मुझे लगता है कि अब आप ज्यादा अच्छा एक्टिव होकर काम कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, जब एक बड़ा दायित्व मिलता है तो एक पार्टी का अपना एक सिस्टम था, मतलब बाप दादा बनता है तो बच्चों को रोटी खिलाना छोड़ दे, काम करना बंद कर दे। वहां पर क्या था कि जैसे मैं काम करता था, एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तो उसके बाद जैसे मेरे ऊपर जो लोग काम करते थे तो मुझे सिस्टमेटिक तरीके से, मुझे एक प्रदेश की कमेटी में मुझे पद दिया गया, तो मुझे एक पर्टिकुलर एरिया दिया गया था। पहले मेरे पास कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं था, मैं दिल्ली में भी और एनसीआर में भी कहीं भी काम कर लेता था, तो मेरे पास पर्टिकुलर एरिया था। तो एरिया की बात जब मुझे पता चला कि वहाँ पर संगठन का ढांचा किस तरीके से बना था, संगठन का ढांचा किस तरह से बनना चाहिए, तो जब उस काम को, वर्क को जो मुझे दे दिया गया था, कमेटी का वर्क दे दिया गया था, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा काम स्लो कर रहा हूँ या आप बंद रहे थे ना? बंधा नहीं था। आप किसी पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में लाएंगे तो आपकी बूथ कमेटियाँ तो कंप्लीट होनी चाहिए, आपका ढांचा तो कंप्लीट होना चाहिए ना, चाहे वो सेक्टर का हो, बूथ का हो, चाहे जिले का हो, चाहे विधानसभा का हो, तो उसी काम में व्यस्त। अनिल सागर जी, कई बार देखा गया है कि आपको जो दादा माँ जिसको कहा जाता है वो आपको मन से सम्मानित करती है, जो उस वीडियो जब वायरल होती है तो आप पे ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं। ऑब्जेक्शन किसने उठाया? सभी ने ऑब्जेक्शन उठाए कि जो दादा माता जी आके आपको सम्मान दे रही है, और आपने ये बोला था कि मैं जो ग्राफिक करी है, ये जो दादा माता जो करी है वो ग्राफिक मैंने करी थी, इसलिए मुझे सम्मान दिया गया। नहीं, मैं बताता हूँ, वहाँ पर एक फाउंडेशन है, मेरी माँ फाउंडेशन, उसके साथ एक जो है प्रिंट मीडिया है, जो हमारा, जो मेरा अपना खुद का व्यवसाय है जिससे मेरे बच्चे पलते हैं, मेरी आजीविका चलती है, वो एक मेरा साधन था, और एक रेनबो कंपनी है जो एजेंसी है, उस एजेंसी से मैं काम लेता हूँ अपने बच्चों को पालने के लिए, समाज को चलाने के लिए, साधन चलाने के लिए। रेनबो कंपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, तो वो एजेंसी है, मैं एक डिज़ाइनर हूँ, कंप्यूटर डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं उसका वर्क करता हूँ। आपने, मैंने अपने फेसबुक पे उसको अपलोड भी किया था, उसमें दिखाया था कि मुझे बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड मिला था, तो उस कार्यक्रम में वो चीफ गेस्ट थी, तो चीफ गेस्ट के द्वारा ही मुझे वो सर्टिफिकेट दिया था, वो अवार्ड दिया गया था, ना कि मुझे कोई बीएसपी या किसी बीजेपी, कांग्रेस पार्टी या किसी के द्वारा मुझे अवार्ड दिया गया था। आप ये बताइए कि जब आप ओबीसी समाज में जाएंगे तो ओबीसी समाज को कैसे गाइड करेंगे, कैसे गाइड करेंगे कि वो बीएसपी की तरफ आ सके, बहन जी की तरफ, बहन जी को अपने एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें देख सके और उनके लिए वोट कर सके, कि क्या कहेंगे उनसे? देखिए, जो फॉर्मूला माननीय कांशीराम साहब का था, हम कोई नया फॉर्मूला लागू नहीं करेंगे। जो फॉर्मूला माननीय कांशीराम साहब का था, जो आइडियोलॉजी माननीय कांशीराम साहब की थी, और जो देश के अंदर जो आज डिमांड है बहन कुमारी मायावती से अल्टरनेट के तौर पे, हम उसको प्रूफ करेंगे, उसको समझाएंगे, उस कैडर के माध्यम से बात करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत अगर एक्सप्लेन कर सकें क्या चीज़ है, आप बता दीजिए सर। अगर जी, जैसे मंडल कमीशन के बारे में अगर बात की जाए तो ओबीसी समाज को लेकर के मंडल कमीशन के बारे में ज़्यादा हम चर्चा करेंगे कि इस मंडल कमीशन को जो लागू करवाया था वो माननीय साहब कांशीराम जी ने करवाया था, और बहुजन समाज पार्टी उन्हीं के द्वारा फाउंडेड है, और बहन जी उसी को लेकर के चल रही हैं। ऐसी बातें हम उनको बताएंगे, और हम उनको यही बताएंगे कि आपकी और हमारी प्रॉब्लम में कोई खास अंतर नहीं है, कोई कम पिटा है, कोई ज़्यादा पिटा है,
इन सब बातों को बताया जाएगा कि भाई आप भी बहुजन समाज के पार्ट, मैं बताता रहता हूँ इस बात को बीच बीच में, इसलिए मैंने कहा था। जी सर, कोई और सवाल? एक बात और है, कोई और? हम लोग इस रथ को अपने को हम आपको दिखा भी देंगे अभी नीचे, रथ जो है हमारा तैयार, और हम इसको 28 तारीख को हम लोग इसको अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर, वहाँ से इसको हम लोग लॉन्च करेंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे। नहीं, ये पार्टी से अलग का हिस्सा है, ये नॉन, मैं एक बार सोचता भी था कि मैं इसका नाम कुछ ऐसे रखें हम लोग, नॉन बीएसपी बट फोर बीएसपी, नॉन बीएसपी बट फोर बीएसपी, जो लोग पार्टी के पद पर नहीं हैं या जैसे सामाजिक संगठन में काम कर रहे हैं वे लोग भी बीएसपी के लिए काम करें। तो ऐसा हमने विचार बनाया था, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो पार्टी में काम कर रहे हैं वो तो करें, हम लोग एक्सटर्नली भी जो है सब लोग मिल करके, हम ही नहीं सभी लोग मिल करके बहन जी को पीएम बनाने के लिए अपने अपने स्तर पर काम करें।